चट्टाने जिसको मोहरे। अगर पूर्णा ये सबमिट करती है तो 13 साल 10 महीने की उम्र में शी विल बी द यंगेस्ट गर्ल इन हिस्ट्री टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। मिल सके आसानी से ऐसी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। अशीच एक जिद्द घेऊन पूर्णा समोर आली आणि पूर्णाने एव्हरेस्ट चढलं आणि आता दिग्दर्शनाचा एव्हरेस्ट चढणार आहेत। राहुल बोस आपल्या सोबत आहेत, पूर्णा आपल्या सोबत आहे आणि अदिती सुद्धा सोबत आहेत। सगळे स्टार्स आहेत खरं तर, आणि या सगळ्या जिद्दीला सलाम। खरं तर राहुलजी, आपने डिरेक्शन में ये दूसरी बार जो कदम रखा तो सीधा एव्हरेस्ट पर ही रखा। कहानी अगर ऐसा है और कहानी इतनी रोमांचक, इतना ग्रिपिंग, और ये रियल लाइफ की कहानी है जो पूर्णा ने किया है, वो मैं मतलब आंखें उस स्क्रिप्ट से मैं निकाल नहीं पाता। इट वॉज सच अ फैंटास्टिक स्टोरी। पहले तो मैं हैरान हो गया था कि मुझे ये इसके बारे में पता कैसे नहीं था, बिकॉज 13-year-old गर्ल क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट, ब्रेकिंग अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, आदिवासी लड़की तेलंगाना से, गरीब है, कैसे हुआ ये सब। फिर जब मैंने स्क्रिप्ट को पढ़ा और रिसर्च किया वगैरह वगैरह, फिर मैं पूर्णा से मिला और वो ये दोनों बहुत शरारती हैं। तो पूर्णा से दिख रहा है, बात भी शांत खड़ी नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एक 16 साल की लड़की, एक 13 साल की लड़की, ये दोनों शांत कैसे रहेंगे। तो मुझे लगा कि ये बॉलीवुड से और भी बॉलीवुड स्टोरी है। कोई राइटर ऐसे नहीं लिख पाता कि 13 साल की लड़की एवरेस्ट क्लाइम करेगी। हम कहते हैं कि यार शर्म करो, 16 तो बनाओ, फिल्मी लग रहा है, ऐसा हम बोलते हैं। सो सच अ फैंटास्टिक स्टोरी। और फिर जैसे मैं पढ़ता रहा तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी फिल्म है। हम शुरू करते हैं उसके छोटे से हट में जहाँ पे वो उसकी पैदाइश हुई थी, और वहाँ से हम जाते हैं एक 600 फुट 700 फुट ऊंचा एक रॉक, भोंगी रॉक, 60-65 मंजिल की जो हाइट में ड्रोन शॉट्स होंगे, बच्चे क्लाइंबिंग करेंगे, मिशन इम्पॉसिबल जैसा दिखेगा, ड्रोन शॉट्स होंगे, ऊपर से शॉट्स होंगे, नीचे से शॉट्स होंगे, स्लो मोशन शॉट्स होंगे। उसके बाद हम जाएंगे दार्जिलिंग जहाँ पे उन्होंने माउंटेनियरिंग सीखा, नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा माउंट रेनॉक का। उसके बाद हम जा रहे हैं एवरेस्ट बेस कैंप एंड टू द टॉप। आई सेड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग एंड इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी इनक्रेडिबल स्टोरी। कि जब इस देश में सिस्टम चलता है और सिस्टम को कंट्रोल करने वाला एक ईमानदार, पैशनेट, विजनरी अफसर है जैसे डॉक्टर RS प्रवीण कुमार, और जब एक लड़की या लड़का जिसमें वो काबिलियत है निकल आता है, फिर इस देश से कोई देश, ये देश इस दुनिया में सबसे बेहतरीन, सबसे सुनहरा देश बनता है। When India gets it right, it's glorious. अफसोस कि ये रोज़ नहीं होता। तो लोग जब निकलते हैं इस फिल्म को देखने के बाद और उनके आंखें, सारे के आंखें गीले होते हैं, एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो नहीं रोया हुआ, ये दुख से नहीं रोते हैं, ये रोते हैं इस इंस्पिरेशनल स्टोरी से क्या नहीं हो सकता इस देश में अगर सब चीज़ें सही हो तो। जब तक इसका और तेरा बाप फीस नहीं देता, यदि साफ चाहे मुंडो, साफ स्कूल जाएंगे तो झाड़ू कौन लगाएगा। अभी अभी पता चला है कि हमारे तड़वाई स्कूल की एक लड़की भाग गई है सर। देखो पूर्णा, तुमको वापस जाना है तो जा सकती, लेकिन याद रखना लड़कियाँ कुछ भी कर सकती है। पूर्णा तुम तो घर जाने वाली थी। मुझे इनके साथ जाना है। बच्चे रॉक क्लाइंबिंग के लिए जा रहा है। रॉक क्लाइंबिंग मतलब छोटे पहाड़ पे चढ़ना। वो तूफान क्या चट्टाने जिसको मोहरे दे, वो उड़ान क्या जो ऊंचाई पे दम तोड़ दे। Who are the best climbers? Most definitely Poorna sir. I would like to give these children a try. We all know you have a weakness for underdogs. अब slum dog mountaineer तो नहीं बनाने चले ना? कुछ पर्वत हिलाए तो बात है, कुछ पर्वत हिलाए।
ऊंचे पहाड़ चढ़ेंगे। सिर्फ पहाड़ नहीं, एवरेस्ट। तो आपको मतलब आपकी ये फिल्म से इंस्पिरेशन देना ज्यादा जरूरी लगता है, और ये जो एडवेंचर आपने भी खुद ने उठाया था, तो ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, इसकी वजह से आपने ये करना चाहा, या वो और क्या चीजें थी? क्योंकि मतलब यू कम आउट फ्रॉम अ आर्ट हाउस सिनेमा ऑल्सो, और इंटरनेशनल सिनेमाज का आपका एक अलग रिकॉर्ड है, और फिर आप जो ये कहानी लेके आते हो तो और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, और हालांकि वो कठिन भी था आपके लिए, ये सफ़र भी आपके लिए इतना ही कठिन था, तो ये क्या चीज़ें थी? एक इंस्पायरेशनल स्टोरी और फिर एक लड़की की कहानी, का क्या हाईलाइट था आपको ये फिल्म करने के लिए? डेफिनेटली इस एक उदाहरण, जिंदगी भर के लिए एक उदाहरण, कि जब इस देश में लोग ठीक तरीके से काम करते हैं तो ये देश किसी और देश से कम नहीं है। और वेमेन गर्ल्स वेमेन कि लड़कियां कुछ भी कर सकती है, हमारा लाइन नहीं है, ये पूर्णा का लाइन है। शिखर से वापस आके जब उसने एक इंटरव्यू में कहा कि आई वॉन्टेड टू शो, मैं दिखाना चाहती थी कि लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं, तो ये डेफिनेटली इज़ अ सेकेंड पॉइंट जो मेरे लिए बहुत अहम है, क्योंकि मेरी पैदाइश ही हुई थी एक ऐसे घर में जहाँ पे लड़कियाँ लड़के से बिल्कुल पिछड़ नहीं थे, पीछे नहीं थे, और शायद आगे ही थे लड़के लड़कों से। एक तो 104 बुखार है और ऊपर से ये एवलांच, उस लड़की को कुछ हो गया तो क्या होगा हमारा? She wants to climb, sir. How can you leave the choice to that girl? Sometimes we make choices, sometimes choices make us. एवरेस्ट पे कुछ होता है तो बॉडी भी वापस नहीं आता है। अभी इंडिया में हमने हाल ही में वुमेंस डे सेलिब्रेट किया है, और अभी फिर से मतलब ये मुद्दा तो बहुत अहम है, और अभी फिर से ये आ रहा है कि मेन एंड वुमेन इक्वालिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्त्री पुरुष समानता जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अब आगे हर किसी ने इस मुद्दे को बहुत इम्पॉर्टेंट देखना चाहिए। लेकिन एज अ राहुल बोस, क्या आप कहते हो कि आप भी फेमिनिस्ट हो? क्योंकि मेन कैन बी फेमिनिस्ट इज़ ऑल्सो द थिंग। ऑफकोर्स Obviously, I'm a feminist. I'm proud to be a feminist. You have to be a feminist. Feminism का मतलब क्या है? Feminism का मतलब ये है कि लड़कियों और औरत को चॉइस दिया जाए कि जो भी वो करना चाहे वो करे। उनको मर्दों का प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, ना ही उनको मर्दों का गाइडेंस। उनको सिर्फ फ्रीडम चाहिए कि मैं जो करना चाहती हूँ, चाहे वो आइटम नंबर हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, उसके लिए मुझे आज़ादी दी जाए। सो अगर आप ह्यूमनिस्ट हो, अगर आप बिलीव करते हो दैट द होल वर्ल्ड शुड बी ट्रीटेड द सेम, देन यू हैव टू बी अ फेमिनिस्ट। आई एम अ ह्यूमनिस्ट फर्स्ट एंड अ फेमिनिस्ट सेकंड, एंड बोथ ऑफ देम आई एम वेरी प्राउड ऑफ बी। वो तूफान क्या चट्टाने जिसको मोह दे। मेरा नाम पूर्णा मलावत है। I am the youngest girl to climb Mount Everest. लड़कियाँ कुछ भी कर सकती है। आदिती आपल्या सोबत आहे, पूर्णा आपल्या सोबत आहे, पूर्णा ही खरी स्टार आहे एवरेस्टची। सो पूर्णा, पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे जब आपने वो भारत का झंडा वहाँ पे रखा था, और फिर वो जो मोमेंट था, वो सपना पूरा होने वाला जो फीलिंग था, उसके बारे में पहले हमसे आज शेयर कीजिए, क्योंकि वो जानना बहुत ज़रूरी है, फिर आगे तो बहुत बातें होती रहेंगी। तो एवरेस्ट पे मैं आवर नेशनल फ्लैग आई हाइस्टेड आवर नेशनल फ्लैग ऑन द एवरेस्ट, एंड आई प्लेस्ड आवर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर्स फोटो आल्सो। सो आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई वाज रीच ऑन टॉप ऑफ द एवरेस्ट, बिकॉज इट्स माय पर्सनल ड्रीम, एंड दैट आई वेंट टू प्रूव दैट गर्ल्स कैन डू एनीथिंग, एंड इट्स द ड्रीम ऑफ माय सेक्रेटरी, एंड पेरेंट्स भी बहुत इंकरेज किया था मुझे। अगर पूर्णा ये सबमिट करती है तो 13 साल 10 महीने की उम्र में शी विल बी द यंगेस्ट गर्ल इन हिस्ट्री टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। So
सफ़र बहुत कठिन था क्योंकि जैसे आपने वो सफ़र चुना था लेकिन आगे बहुत सारी मुश्किलें होगी आपको पहले से ही पता था, तो वो क्या चीज़ थी जो आपको ड्राइव कर रही थी आगे और ऊपर जाने के लिए? You knew it was going to be tough. Yes. Why did you still keep doing it? Okay. तो मुझे tough कब लगा कि starting बोनेगिरी में rock climbing training it's very difficult लगा था मुझे, क्योंकि वही first step था, इसीलिए मुझे बहुत tough लगा था. तो उसके बाद 5 दिन का training है वो complete होने के बाद मैंने शेखर सर वो मेरा coach है उन्हें बताया उसका वीडियोस 2007 में एवरेस्ट सबमिट करके आया था. वो वीडियोस देख के मुझे लगा था कि कंपलसरी आई वांट टू डू माउंट एवरेस्ट क्लाइंबिंग. आई फिक्स द टास्क एंड देन आई स्टार्टेड. मुझे कभी भी नहीं लगा था रिटर्न बैक कम बैक क्योंकि इट्स माय ड्रीम एंड दैट आई वांट टू प्रूव गर्ल्स डू एनीथिंग. सो दिस इज नक्कीच तिच्या डोळ्यात ते स्वप्न आहे आणि ते तिने पूर्ण केलं. ती जिद्द तिच्या चेहऱ्यावर आत्तासुद्धा आपल्याला दिसते. आदिती आपल्यासोबत आहे. आदिती पण तू कुठल्या 9वीत आहेस तू? मी 9वीत. हां, ही छोटूशी मुलगी आहे, 9वीत आहे ती आत्ता आणि तिने 13 वर्षाच्या पूर्णाची भूमिका केलेली आहे. आदिती, तुझ्यासाठी ही भूमिका किती स्पेशल होती? कारण तू काही फार असं रॉक क्लाइम्बिंग वगैरे केलंयस कधी का डायरेक्ट हा सिनेमाच केलास? नाही, मला ऑनेस्टली मी रॉक क्लाइम्बिंग नाही करत. मला मी ॲक्टिंग करते म्हणजे स्कूलमध्ये आहे एक ऑप्शन ड्रॅमॅटिक्सचं, तर त्यात मी केलं होतं ॲक्टिंग आणि स्टेजवर केले होते, बट मूवी मी फर्स्ट टाइम करते आहे. पूर्णा, तुम तो घर जाने वाली थी? मुझे इनके साथ जाना है. बच्चे रॉक क्लाइंबिंग के लिए जा रहे हैं? सर, रॉक क्लाइंबिंग मतलब छोटे पहाड़ पे चढ़ना. वो तूफान क्या चट्टाने जिसको Who are the best climbers? Most definitely Poorna, sir. I would like to give these children a try. We all know you have a weakness for underdogs. Ab slum dog mountaineer to nahi banane chale na? Kuch parvat hilaye. To bacche pahad chadenge. Sirf pahad nahi. Everest. तुझे या सिनेमातले प्रवीण कुमार राहुल बोस होते, त्यांना पाहून तू हे सगळं ट्रेनिंग सुरू केलंस आणि मग ही जिद्द मिळाली तुला की आता हा सिनेमा आपण करू शकू. राहुल जींची टिप्स तुला सगळ्या मिळाल्या या सगळ्या? हो, ते मला खूप एनकरेज करतात आणि काउन्सिलिंग करतात. ही यूज टू टेक मी ऑन लॉंग वॉक्स आणि मला खूप छान सांगत होते अबाउट मेनी इन्सिडेंट्स अँड मेनी थिंग्स. सो I got inspired from him, Poorna. How many times? All the shouting? Huh? Now it's all sweet. No. I gave her such a hard time. वही मैं बोल रही थी कि आप उसके प्रवीण कुमार थे इस दौरान, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो ट्रेनिंग और वो सब. उसने क्लाइंबिंग भी सीखा है. वो एवरेस्ट शायद नहीं पहुँच पाएंगी लेकिन एक्टिंग में ज़रूर एवरेस्ट पहुँचेंगी. क्या बात है, क्या बहुत बहुत हुनर है उसमें. और एक विजडम है अदिति में, एक डिसिप्लिन है और एक प्राइड है उसमें, एक गर्व है. वो अपने आप को जो आत्मसम्मान कहते हैं, शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ हरसेल्फ, तो वो कभी कम नहीं करना चाहते हैं. दोनों लड़कियों में वो मैंने देखा है कि वो अपने आप के साथ सेटिस्फाइड नहीं है जब तक पूरा वो करें, जब तक वो जानते हैं वो कितना कर सकते हैं, उससे वो कम नहीं करने के लिए तैयार है, उतना ही करेंगे. म्हणूनच तुम्ही त्या 109 मुलींना रिजेक्ट केलं होतं आणि त्यानंतर आदिती. हो, ॲब्सोल्युटली राईट. शी वॉज द 110th गर्ल आणि मी काय बघितलं की आदितीमध्ये एक काय अंग्रेजीमध्ये एक फ्रेज आहे, रेझिलियन्स अंडर प्रेशर. तर आदितीचं कॅरेक्टरमध्ये, फॅमिली अपब्रिंगिंगमध्ये मला माहीत नाही, परंतु एक रेझिलियन्स अंडर प्रेशर आहे आणि सहानुभूती, कम्पॅशन, एम्पथी. की माझा कॅरेक्टर पूर्णा हे सीनमध्ये हे होणार पूर्णासाठी, एटसेट्रा एटसेट्रा, टू अंडरस्टँड
कि पूर्णा क्या फील कर रही होगी इस टाइम पे, वो मैच्योरिटी, वो अंडरस्टैंडिंग. एंड लास्ट इज डोकर. यो एक्टर्स हैव टू हैव एक्सप्रेसिव आइज. और अदिति की आंखें उसके लिए बहुत पैसे कमाएंगे. जेव्हा राहुलजींकडनं या प्रकारे स्तुती तुझी होते किंवा कॉम्प्लिमेंट ते देतात तेव्हा आत्ता कसं वाटतं? कारण तेव्हा तुझ्यासाठी ते कठीण होतं, पण आत्ता जेव्हा हे सगळं एकदा तो सिनेमा झाला आहे पूर्ण आणि आत्ता प्रेक्षकांसाठी समोर येणार, घरी किती एक्साइटमेंट आहे? तू स्वतः किती एक्सायटेड आहेस तुझा मूवी थिएटरला जाऊन बघायला? मी तर खूप एक्सायटेड आहे आणि मला कधी वाटलं नाही की एवढं इन्स्पिरेशनल रोल मिळेल मला. आणि स्कूलमध्ये सुद्धा मी एक्सपेक्ट केलं नव्हते, इट्स ऑल माय लक. सो माझे पेरेंट्सही खूप एक्साइटेड आहे, इवन माय फ्रेंड्स अँड राहुल सर हॅज डन अ व्हेरी वंडरफुल. पुढे पण ऍक्टिंग करणार आहेस म्हणजे? त्या डिसाईड केलं नाही, डिसाईड नाही केलं. शिक्षण पण करायचं, एज्युकेशन पण करायचं आणि ऍक्टिंग पण करणार ना? हो करेन, अजून डिसाईड नाही. पण ऑफकोर्स आणि पूर्णा आपल्यासोबत आहे. पूर्णा आता अब 12th स्टँडर्ड में हो आप जस्ट, और आगे आपका मिशन क्या है, अगला एवरेस्ट क्या है आपके दिमाग में? सो 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट कर दिया मैंने, तो आगे मेरे लाइफ में मैं IPS होना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे जैसे गरीब लोग हैं तो उसको सर्व करना चाहती हूँ, लाइक प्रवीण कुमार सर. एंड थैंक यू स्पेशल थैंक्स टू राहुल बोस सर एंड प्रवीण कुमार सर एंड माई पेरेंट्स. और आगे भी आप जैसे लड़कियों को, बहुत लड़कियाँ हैं जो आगे बहुत कुछ करना चाहती है लेकिन हमारे देश में ये कभी कभी उनको भी बहुत संकटों का सामना फेस करना पड़ता है, तो फिर आप उनको भी इंस्पायर, मतलब आपने किया ही है ऑलरेडी आप ये सब करके, लेकिन आगे भी आप उन लड़कियों के लिए काम करना चाहोगी? यस, दूसरा और लड़कियों के लिए काम करना चाहती हूँ. एंड सब लड़कियों एंड लड़का ऑल पीपल्स जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसको यूज़ करना जाना है. उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसको वो अपॉर्चुनिटी को ख़त्म करना है, यूज़ करना है, नहीं तो बट डोंट मिस यूज़ दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कम मिलती है हमको. Exactly. और करेज हैज नो लिमिट, राइट? एज यू सेड, ऑफकोर्स लड़कियाँ कुछ भी कर सकती है असंच हा मेसेज यांनी दिलेला आहे. आणि राहुल जी या नव्या सिनेमातून हेच सांगत आहेत, बस जाता जाता पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना या सिनेमाविषयी. मैंने कभी आपसे ज़बरदस्ती नहीं की कि आप फिल्म आके देखें मेरी फिल्म को. आप अगर जाते हैं, आप सिर्फ एक विनती है, आप अकेले मत जाइए और आप एक दोस्त के साथ नहीं जाइए, आप पूरे फैमिली के साथ जाइए, एक झुंड लेके जाइए, दोस्तों के साथ जाइए, कॉलोनी वालों के साथ जाइए, बिरादरी वालों के साथ जाइए, क्योंकि ये ऐसी फिल्म है जहाँ पर इंस्पिरेशनल फिल्म इंडिया के बारे में, ऐसी फिल्म है कि जब इंडिया में ठीक तरीके से काम होता है तो इस देश से महान और कोई देश नहीं. राहुल जी तुम्ही डिरेक्टर तर आहात, प्रोड्युसर ही झाला आहात, ऍक्टिंग तर तुम्ही ऍक्टर तर सर्वोत्कृष्ट आहात, पण आता आमच्या जरा मराठी सिनेमाकडेही वळणार आहात का? आणि मराठी सिनेमा डिरेक्टेशन किंवा प्रोड्युशन करायचं काही, म्हणजे डिरेक्ट किंवा प्रोड्यूस करण्याचा काही विचार आहे का? मी एक शब्दात आन्सर देतो, नक्की. थँक्यू सो मच. थँक्यू अँड ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू, चिअर्स, ऑल द बेस्ट. बच्चे पहाड़ चढ़ेंगे. सिर्फ पहाड़ नहीं, एवरेस्ट. वो तूफान क्या चट्टाने जिसको मोह मिले.